हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डेली शाम 4 बजे जीके और जीएस की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूँ, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी वो प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, चीनी का सबसे मीठा रूप होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपका चीनी का सबसे मीठा रूप है, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में, 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, आप ध्यान रखिएगा। आपको बता दें दोस्तों, डेली मैं आपको 10 से 12 मिनट में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूँ, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी वो प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आप इसको डेली देखिए और अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो जाइए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कालसुबाई शिखर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, कालसुबाई शिखर महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आप समझ गए होंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, किसी तरल पदार्थ को उसके क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में बदलने की घटना को कहा जाता है? तो इस घटना को कहा जाता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कहा जाता है किसी तरल पदार्थ को उसके क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में बदलने की घटना को वाष्पीकरण कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? जो कांग्रेसी नेता थे, चितरंजन दास जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, चितरंजन दास जी 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाले अन्य कांग्रेसी नेता थे। आप समझ गए होंगे। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र से कौन से समाज सुधारक को लोकहितवादी के रूप में जाना जाता था? जो कि महाराष्ट्र से जो थे लोकहितवादी नेता, उन्हें जाना जाता था समाज सुधारक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, गोपाल हरि देशमुख जी महाराष्ट्र से समाज सुधारक थे, जो कि लोकहितवादी के रूप में उन्हें जाना जाता था। आप समझ गए होंगे। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला गांव अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का पहला गांव अधिवेशन हुआ था फैजपुर गांव से कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। आप ध्यान रखिएगा। दसवां नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? जो प्रसिद्ध कवि कालिदास जी हैं, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि कालिदास जी रहते थे। आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक बुद्ध चरित्र किसने लिखी है? जो कि ये बुद्ध चरित्र लिखा गया है अश्वघोष के द्वारा। अश्वघोष ने जो प्रसिद्ध पुस्तक है बुद्ध चरित्र लिखा है। आप ध्यान रखिएगा। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन है, हार्ट पेस मेकर में इस्तेमाल किए जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व है? जो कि ये तत्व है प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, प्लूटोनियम आपका हार्ट पेस मेकर में इस्तेमाल किए जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व है। आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो तरल अवस्था से ठोस अवस्था में जाने पर फैलता नहीं है, जो कि ये क्या है? आपका राइट आंसर होगा टाइप मेटल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, टाइप मेटल
वह पदार्थ है जो तरल अवस्था से ठोस अवस्था में जाने पर फैलता नहीं है। आप समझ गए होंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सॉफ्ट ड्रिंक के दबाव में मौजूद होती है, जो कि कौन सी गैस होती है? राइट आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक के दबाव में भी मौजूद होती है, आप ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, दाचीगम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जो दाचीगम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में दाचीगम नेशनल पार्क स्थित है। आपके एग्जाम में नेशनल पार्क से भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को कवर किया जाएगा और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, कलेसर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जो कलेसर नेशनल पार्क है आपका स्थित है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जो कलेसर नेशनल पार्क है हरियाणा में स्थित है, आप ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम को किस रूप में जाना जाता है? जो अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम को जाना जाता है कर्णप्रयाग के रूप में। कर्णप्रयाग के रूप में अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम को जाना जाता है, आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका, बॉम्बे उच्च न्यायालय से क्षेत्राधिकार में कितने राज्य और संघ केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? जो कि कितने शामिल हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 4। बॉम्बे उच्च न्यायालय से क्षेत्राधिकार में 4 राज्य और संघ केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, आप समझ गए होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, जल और अल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? जल और अल्कोहल के मिश्रण को आसवन के द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, आसवन के द्वारा जल और अल्कोहल के मिश्रण को अलग किया जाता है, आप समझ गए होंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? जो कि ये किया गया था गुप्त। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी, आप समझ गए होंगे। आप ध्यान रखिएगा कि गुप्त शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं को निर्मित किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत है हुई थी आपका 1930 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, आप समझ गए होंगे। आपको बता दें दोस्तों, हमारे इस चैनल पे डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी क्वेश्चंस को कवर करता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज़ देखने को ज़रूर मिलेंगे। आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा अपने एग्जाम्स के लिए। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है? जो कि युवा तुर्क के नाम से जाना जाते थे, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर आज़ाद आपके प्रसिद्ध व्यक्ति जो कि युवा तुर्क के नाम से जाने जाते थे, आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23वां नंबर क्वेश्चन है, दोहरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? जो दोहरिया का युद्ध लड़ा गया था 1532 में, 1532 में दोहरिया का युद्ध लड़ा गया था, आप समझ गए होंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को रदरफोर्ड के अनुसार घूमना चाहिए वे हैं, वे होती हैं वृत्ताकार, वृत्ताकार होती हैं जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को रदरफोर्ड के अनुसार घूमना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगला है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? जो पानीपत का है दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था और किसके मध्य लड़ा गया था, आप समझ गए होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है अगर आप जीके की प्रिपरेशन करते हैं तो, कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था, आप समझ गए होंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, किसी तरल पदार्थ को उसके क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में बदलने की घटना को कहा जाता है?
जो कि दोस्तों आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, वाष्पीकरण कहते हैं, हमने इसके बारे में अभी बात किया, आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थे अपने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।